एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद मैं और आलोक चले आए एक होटल, एक वेजिटेरियन होटल, क्योंकि सोमवार था और हम इस दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो हमने ये लिया दो मील की थालियाँ, इसमें अरवा चावल, शाक, दाल, एक तरकारी, एक भुजिया, पापड़ और दही रायता था सैलड वाली। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे पूरी घूमने के लिए। फाइनली फुलन खोरा के पास से हमें भुवनेश्वर वाली बस मिल गई कटक से। तो यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं भुवनेश्वर और वहाँ से फिर जाएंगे पूरी। हम लोग कटक से निकल चुके हैं और थोड़े देर बाद हमें भुवनेश्वर पहुंचना है और वहां से हमें फिर जाना होगा पुरी, क्योंकि एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गई 2:30 बजे और उसके बाद हमने खाना खा लिया और हमारी ट्रेन जो है वो है रात के 9:45 बजे। तब तक हम क्या करेंगे, इसलिए मैंने कहा आलोक से कि चलो पुरी घूम कर आते हैं, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है कटक से पुरी का। तो हम लोग यहाँ अभी देख सकते हैं आप गाइस, ये है भुवनेश्वर का रसूलगढ़। यहाँ से हमें पुरी के लिए बस मिलेगी, इसीलिए हम यहाँ पे कटक से रसूलगढ़ पे उतर गए और यहाँ पे आलोक और मैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं बस का। बस जैसे ही आएगी वैसे ही हम इसमें चढ़कर पुरी के लिए निकल जाएंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हमें बस मिलने वाली है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और फाइनली हमें एसी वाली बस मिल गई जो कि हमें भुवनेश्वर से खुर्दा होते हुए पुरी लेकर जाएगी। तो आप सभी कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग हमारे साथ, चलिए पुरी। सुनहरा कलर का है रेत, देखा था हम और दीदी यहाँ पे। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पूरी गोल्डन बीच पे, आलोक भी है साथ में और हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती। आलोक फर्स्ट टाइम आ रहा है पूरी और समुंदर को देख के वो बोल रहा है अरे बाप रे क्या लहर है। तो थोड़ी सी मस्ती करते हैं। सो आप सभी कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग और मैं और आलोक यहाँ से समुंदर देख के थोड़ी सी मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद फिर श्री मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। देन आफ्टर आज ही हमें रात में निकलना होगा घर के लिए। तब तक के लिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए।
सुबह सब सब नहाई आई है। मर जाएगा तो क्या करके हाँ जा रही है यहाँ पे बनाया गया है सैंड आर्ट। ये अर्धनारीश्वर का रूप बनाया गया है और आर्टिस्ट हैं ये। आपण कुणाल महापात्र। अच्छा कुणाल महापात्र धरापुरी जनार टेम्पल पांच गाइस, श्री मंदिर के पास बड़ा तांडव यानी मंदिर से 150 मीटर पे एक डोसा वाले भैया थे। वो बहुत ही टेस्टी डोसा बना रहे थे और बहुत ही फास्ट काम कर रहे थे। उन स्पेशलिटी आपने तो बहुत बार ही खाया होगा डोसा, लेकिन इनके डोसे में एक बात अनोखी थी कि ये विदाउट ऑनियन गार्लिक का डोसा, सांभर चटनी सब कुछ यहाँ पे टोटली वेजिटेरियन है। ये प्योर वेजिटेरियन खाना प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली ये स्ट्रीट फूड है और यहाँ पे मैंने देखा कि बिल्कुल भी लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं कर रहे थे ये, और इतना खाने में इतना टेस्टी था, क्योंकि मैंने और आलोक ने खाया, इतना टेस्टी था, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये विदाउट ऑनियन गार्लिक का चटनी और सांभर है और डोसा है। और भरपूर मात्रा में आलू भी डाल रहे थे और मूंगफली, और इतनी टेस्टी लग रही थी कि मैं आप सभी को क्या बताऊं। तो आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी पूरी आते हैं तो यहाँ पे एक बार ही ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप व्रत के दौरान भी खा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छे तरीके से वो बना रहे थे। ये है बिना प्याज लहसुन का डोसा, बल्कि देखने में देखिए कितना प्यारा लग रहा है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी, इतना अच्छा लग रहा था खाने में कि मैं आपको बता रही। हमने ये ऑर्डर किया हुआ है और ये कभी भी पूरी आते हो तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। मैं इनका नंबर वीडियो के दौरान दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमने ऑर्डर किया है और मैं और आलोक खा रहे हैं, बोलने मतलब बताने लायक नहीं। ये यहाँ पे चाउमीन बेच रहे थे और यहाँ पे वेज बिरयानी, ये भी विदाउट ऑनियन गार्लिक का ही था, लेकिन टेस्ट में इतना अच्छा था कि मैं आप सभी को बता नहीं सकता। हाँ देना। सो गाइस हमारी दर्शन हो चुकी है कंप्लीट, और बहुत अच्छे से आज से पहले इतने अच्छे से और इतने नज़दीक से श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कभी नहीं हुआ था। आज बहुत खुश हूँ मैं कि इतने नज़दीक से दर्शन हुआ मेरे और आलोक को, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। तो आज तक का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।